सीमेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप घर बना रहे हैं, और जब आप मार्केट से सीमेंट खरीदने के लिए जा रहे हैं और साइट पे लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज मेरा टॉपिक वही है कि चेकलिस्ट ऑफ सीमेंट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। आप कैसे चेक करेंगे कि भाई ये सीमेंट मेरा ठीक है या ख़राब है। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत मार्केट से जानकारी के अभाव में पुराना सीमेंट खरीद के लेके आ जाते हैं और घर बना देते हैं, और कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ साल बाद क्या होता है, घर बनने के बाद जो है आपका जो स्लैब अगर कास्टिंग किए हुए हैं उसका पपरी जो है छूटते रहता है और टूट टूट के गिरते रहता है। भाई इसके पीछे रीज़न क्या है? हम तो सीमेंट, आप ये सोचेंगे कि मैं तो सीमेंट बहुत अच्छा यूज किया, और बहुत जगह क्रैक भी छत में क्रैक आ जाता है, कॉलम तक भी क्रैक आ जाता है, बोलेंगे ऐसा कैसे, रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे। तो आज हम जो आपको उसी के बारे में बताऊंगा, जिससे क्या है कि अगर आप इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप एक सही सीमेंट यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका अब बताएंगे कि सीमेंट में कैसे पता करेंगे कि वो सही सीमेंट है या नहीं सीमेंट है। नाम देख के मत जाइएगा। तो हम आपको बता दूं कि हर एक सीमेंट, जितना भी मार्केट में आपको सीमेंट मिलता है, उसमें खरीदने से पहले जहाँ पे जो आपका डीलर है उससे खरीदने से पहले आप उसमें एक चीज़ है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं ना मैन्युफैक्चर डेट क्या है, कब ये प्रोडक्ट हुआ है, फिर उसका एक्सपायरी क्या है। तो आज हम सीमेंट का मैन्युफैक्चर भी बताएंगे, उसमें कैसे पता करेंगे सीमेंट बोरा में देख करके, और उसका एक्सपायरी डेट कब होता है, वो सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। तो जब भी आप जो सीमेंट लेंगे तो सीमेंट के बोरा में, सीमेंट का जो बोरा होगा इसमें यहाँ पे आपका लिखा रहेगा ये ईयर, अगर हम बात करें ईयर बाय आपका वीक, मतलब सप्ताह, ईयर और सप्ताह लिखा रहेगा आपका। मतलब अगर यहाँ मान लिया जाए कि 2019 है, ठीक है, और अगर सप्ताह अगर है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सप्ताह में, जनवरी का सप्ताह लेते हैं 2021 और एक लिखा हुआ, मतलब कि आप इसको पढ़ना जाने, मतलब कि अगर 19/1 लिखा हुआ कि सप्ताह क्या है, 1 है, और सप्ताह जो है वीक, ये आपका शुरू होता है जनवरी से, जनवरी से एक सप्ताह, दो सप्ताह, तीन सप्ताह, चार सप्ताह, फरवरी में फिर 5, 6, 7, 8, हर एक मंथ में लगभग चार चार सप्ताह होता है। अगर यहीं पे 19/ आपका जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप काउंट कर लीजिएगा इस तरह से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह का से लिखा हुआ, अगर यहाँ 19/ अगर 12 लिखा हुआ, मतलब क्या हो गया, ये फरवरी महीना का लास्ट सप्ताह में, ये सॉरी मार्च महीना का लास्ट सप्ताह में प्रोडक्शन हुआ है, मतलब 21 तारीख के बाद का, तो इस हिसाब से मार्च हो गया, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि भाई सीमेंट का वैलिडिटी कब तक होता है। तो एज पर आईएस कोड के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा जो है फ्रेश सीमेंट है, तो ये आपका इसमें जो इसका जो स्ट्रेंथ जो है कम जो होगा आपका 0%, मतलब एकदम प्योर सीमेंट में स्ट्रेंथ कम, मतलब कि 0% में एकदम ये पूरा एकदम अच्छा सीमेंट रहेगा, इसका स्ट्रेंथ 100% आएगा, ठीक है, मतलब ओनली जो है 0% ये कम होगा, मतलब इसका स्ट्रेंथ मेरा रहेगा 100%, ठीक है। अब बात करते हैं ये हो गया फ्रेश, अगर ये सीमेंट जो है ना, अगर मैन्युफैक्चर डेट अगर मार्च का है, मार्च लास्ट का, 3 मंथ ओल्ड हो गया, थ्री मंथ पुराना सीमेंट ये आपका, इसमें कम हो जाएगा आपका 20% स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब इस सीमेंट से मुझे जो है 80% ही स्ट्रेंथ मिलेगा,
अब आप सोचिए। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो भी आप सीमेंट यूज कीजिएगा वो जो है 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं, अगर ये 6 मंथ का सीमेंट है तो इसमें ये 30% आपका कम हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ। अब आप सोच रहे हैं स्ट्रेंथ क्या है भाई? तो अगर हम बात करें M20 ग्रेड का कंक्रीट आप बनाते हैं, उसमें सीमेंट यूज करते हैं, तो अगर आपका 28 दिन में 28 आना चाहिए न्यूटन पर MM², तो उस हिसाब से आपका जो है अगर 6 महीना का सीमेंट है उसका 30% कम हो जाएगा, बहुत कम आएगा आपका। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि ओनली जो है 3 महीना तक आप जो है उस सीमेंट को जब मैन्युफैक्चर हुआ है यूज कीजिए। ना तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो डीलर होते हैं वो क्या करेगा कि सीमेंट का स्टॉक रख लेगा और जब आपको बेचेगा तो आपको जो पुराना वाला सीमेंट बेच देगा। आपको लगेगा कि हम तो नया सीमेंट लिए हैं, ये तो 10 दिन पहले लिए चाहे 1 दिन पहले लिए हैं, लेकिन आप हमेशा वहाँ पर ये देखिएगा डेट। आप ये मत समझिए कि आप जब डीलर से खरीदे हैं वो ताज़ा सीमेंट है, आपको डेट देखना पड़ेगा, ये आपका ईयर और वीक। और कहीं पर जगह जो आपका वीक पहले रहता है ईयर बाद में रहता है वो आप देख लीजिएगा, ईयर और वीक को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और बहुत जगह आप बहुत जगह आपका कहीं पर रहेगा वीक, पहले वीक रहेगा फिर आपका ईयर रहेगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं कैसे है, तो वीक अगर हम लेते हैं 14वां वीक बाय 19, तो मतलब क्या हो गया, ये अप्रैल का 2रा सप्ताह है और ये 2019 का, ये उल्टा भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं कि 6 मंथ में तो 30% की जो इतमिस क्या हो गया, ये आपका जो है इसका स्ट्रेंथ ओनली 70% मुझे मिलेगा। ये क्लियर है दोस्तों? तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा आप जब भी खरीदिएगा इस डेट को ध्यान रख करके, और कभी भी सीमेंट को ज़्यादा दिन स्टोर मत रखिए। अब बात करते हैं 1 ईयर का, 1 ईयर में ये आपका 40% इसका स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो गया है, ये हो गया डिक्रीज, और ये टोटल ये हो गया स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ, ठीक है? तो 40% हो गया, तो इट मीन्स ये आपका जो है 60% इसमें स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है? अब इसके बाद करते हैं 2 साल 2 ईयर्स का, तो ये आपका जो है 50% डिक्रीज होगा, तो आपका 50% इंक्रीज 50% स्ट्रेंथ रहेगा आपका उस सीमेंट के बोरा में। तो इसलिए हमेशा रिफ़र कीजिए ओनली 3 मंथ पुराना ही सीमेंट आप यूज़ कीजिए, या तो फिर आप बाद में बोलेंगे सर हम तो कास्टिंग किए इतना अच्छा सीमेंट से स्लैब में क्रैक आ गया है और पूरा जो है स्लैब से पपड़ी छूट रहा है। तो ये सब चीज़ जो आप जब ध्यान रखेंगे तो सारा चीज़ एकदम आपका बिल्डिंग आप जो घर जो बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब हम बात करते हैं कि सीमेंट तो हम ले आए, तो पहला पॉइंट हम बता दें कि इसको चेक कैसे करना, ये था पहला आपका कि डेट देख करके चेकलिस्ट चेक कीजिएगा भाई कि सही है कि नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरा में, तो दूसरा इसका है कि जब भी आप सीमेंट लाइएगा तो उसको क्या करना होता है, आप एक लोहा का तावा टाइप का ले लीजिए, लोहा का प्लेट टाइप का, उसमें सीमेंट रख करके उसको गर्म कीजिए, मतलब हॉट द सीमेंट। सीमेंट को जब आप गर्म करेंगे तो इसका अगर कलर जो है चेंज हो गया मतलब ये अच्छा क्वालिटी का सीमेंट नहीं है। तो अगर गर्म करने के बाद अगर कलर सेम ही रहा जिस कलर का सीमेंट आपका है तो वो आपका अच्छा क्वालिटी का सीमेंट है। अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया एक ये तरीका होगा चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है कि इसका जो है फिंगर, जब आप सीमेंट का बोरा खोलेंगे उसको जब थोड़ा सा लेंगे उसको ऐसे ऐसे मसलेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको पूरा मुलायम दिखेगा। अगर वो मुलायम है इट मीन्स सीमेंट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अगर आप बोरा खोलेंगे तो अगर उसमें ढेला ढेला बना हुआ है
हल्का सा भी ढेला बना हुआ तो उस सीमेंट को बिल्कुल यूज मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि भाई हम सीमेंट यूज कर लेते जो होगा देखा जाएगा, नहीं, फिर आपका वही घर तो बना लेंगे, घर तो एक बार बार बनता नहीं है, घर बना लेंगे फिर क्या होगा कि फिर करेक उरेक आ जाएगा, चाहे वो प्लास्टर में भी यूज नहीं करना। तो ये हो गया, तो पहला हो गया कि इसमें डेट, फिर इसको जो है कैसे गर्म करके देख लेंगे, फिर फिंगर से देख लेंगे भाई कि वो सही है कि नहीं। फिर एक और तरीका क्या है कि आपको पानी में, वाटर में सिंक करना है। तो इसमें क्या करना है कि सीमेंट को एक मुट्ठी में ले लेंगे, ठीक है, और उसको जो है पानी में डुबा देंगे, पानी में डाल देंगे। तो क्या होगा, वो सीमेंट डूबने से पहले कुछ देर तक तैरेगा। अगर डूबने से पहले कुछ देर तक तैर रहा है, इट मीन्स वो सीमेंट अच्छा क्वालिटी का। तो ये सारा चीज़ है आपको ध्यान रखने का कि ये वाटर में डुबाने से पहले वो आपको रहेगा। और एक और है कि आप क्या कीजिए, सीमेंट मोटर का जो है सीमेंट और पानी मिक्स करके आप उसको जो है रख लीजिए। अगर वो सीमेंट होने के बाद उसका सेटिंग टाइम, सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम आप देखिएगा, सीमेंट और पानी मिक्स करने के बाद जो है उसका अगर इनिशियल सेटिंग टाइम अगर 30 मिनट है तब ओके है वो सीमेंट, ठीक है। और अगर फाइनल सेटिंग टाइम अगर, मतलब कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर है, तब जा करके वो सीमेंट अच्छा है। मतलब जैसे ही आप उसको पानी में मिक्स करेंगे तो उसका 30 मिनट के बाद वो सेटिंग होना शुरू हो जाएगा, तो वो अच्छा क्वालिटी का सीमेंट। अगर 2-3 घंटा तक अगर वो सेटिंग नहीं हो रहा है सीमेंट, सेटिंग मतलब कि जम रहा है, इट मीन्स वो सही क्वालिटी का सीमेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसमें ये सब सारा चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, आप कोई भी सीमेंट लीजिए, चाहे अगर इमामी लीजिए, चाहे ACC लीजिए, चाहे अंबुजा लीजिए, जो भी लीजिए, चाहे भंगूर लीजिए, जो भी लीजिए, उसमें हमेशा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है कंक्रीट कास्टिंग के लिए ले रहे हैं, मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपसे बताया था कि OPC कहाँ यूज़ करना, PPC सीमेंट कहाँ यूज़ करना, तो आपको सीमेंट बैग पे ही लिखा हुआ मिलेगा ये भाई OPC है। सिर्फ नाम देखकर, मतलब कि सीमेंट का नाम देखकर के मत लीजिए, उसमें आप जो सीमेंट लेना चाह रहे हैं, अगर हम बात करें इमामी का ही सीमेंट है, इसका सेम बोरा में आपको OPC भी लिखा रहेगा, देखने में रहेगा वही सेम डिजाइन, सेम सब कुछ, OPC भी लिखा रहेगा और आपका रहेगा PPC भी कहीं लिखा रहेगा। अगर आप जो गए डीलर के पास, बोलेगा भाई मेरे को OPC सीमेंट चाहिए, अगर आप उतना पढ़े लिखे नहीं, आप ध्यान नहीं दिए, आपको OPC के बदले PPC दे दिया, और PPC बहुत सस्ता सीमेंट होता है, OPC थोड़ा महंगा होता है, आप तो OPC समझ के कर दिए, तो PPC OPC समझ के जो है आप कास्टिंग कर दिए, और लेकिन वो PPC तो स्ट्रेंथ आप कम आएगा। तो यही सब सारा चीज़ जो है, मतलब कि देखना है OPC PPC मार्क, ये भी आप उसमें देख लीजिए भाई सही है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे तरीका है जिस तरीके से आप जो है सीमेंट को चेक कर सकते हैं, और साइट में भी चेक कर सकते हैं, खरीदने से पहले भी चेक कर सकते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका घर सही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं घर अगर खरीद लिए हैं तो फिर से अभी जाकर चेक कर लीजिए, नहीं खरीदे हैं तो खरीदने से पहले सब सारा चीज़ चेक कर लीजिए भाई, ना तो फिर पुराना सीमेंट ले ला करके घर बना दीजिएगा, फिर क्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।